नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। सीबीएसई की टॉपर बनी डीपीएस की तान्या सिंह, 12वीं के परीक्षा परिणाम में हासिल किए 500 में से 500 अंक। परीक्षा परिणाम जारी होते ही खुशी से झूम उठे विद्यार्थी, स्कूलों में जश्न का माहौल। जीबीएन 24 न्यूज के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? सर तान्या सिंह। अच्छा तानिया, आपको सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में आपने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं, ये मुकाम आपने किस तरह से हासिल किया? सर टीचर्स का सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है। और सर स्कूल प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हूँ। अच्छा, किस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे एग्जाम को लेकर के, क्या आपका टाइम शेड्यूल था, किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते थे आप? सर मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है, और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो भी। अच्छा, भविष्य को लेकर के आप क्या सोचती हैं, किस तरह का फ्यूचर आप देखना चाहती हैं? सर मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ, यही है। इस मुकाम में जो बताया जाता है कि शिक्षकों का एक शानदार प्रदर्शन होता है, तो शिक्षकों के बारे में आप और स्कूल स्टाफ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये स्कूल बेस्ट है, इस दुनिया में बेस्ट है, मैं सच कह रही हूँ। ये बहुत अच्छा स्कूल है और टीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, सबके इतने अच्छे मार्क्स सिर्फ टीचर्स की वजह से ही आए हैं। अगर टीचर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हमारे साथ इतनी मेहनत नहीं करते, तो हम सबके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। और सब प्रिंसिपल सर, मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई तो सभी में ही होती है, क्या यहाँ कोई अलग तरीके से मेथड्स हैं जो उनको समझाया जाता है? सर यहाँ मेथड्स भी बहुत सारे, यहाँ टेस्ट काफ़ी सारे होते हैं, टेस्ट वीकली टेस्ट, देन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो सर जब हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। घर का माहौल किस तरह से, परिवार वाले किस तरह से आपको प्रोवाइड कराते थे? सर जब भी मैं पढ़ती थी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और जब मेरा पूरा हो जाता था तभी लोग सब मुझसे पूछने आते थे कि बस हो गया, तभी आते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। सर क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल के प्रिंसिपल? मेरा नाम डॉक्टर HS वशिष्ठ है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर का प्रिंसिपल हूँ। सर आज कक्षा 12 CBSE बोर्ड का परीक्षा परिणाम आया है, आपके स्कूल की तानिया एक छात्रा है जिसको 5 विषयों में 100% अंक मिले हैं, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा तानिया इस बार बहुत मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है, 500 में से 500 नंबर। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एक नंबर कम है, उससे ये कभी फर्क नहीं पड़ता कि एक जो है बच्चा बहुत अच्छा है और दूसरा जो है कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में ये रिजल्ट पिछले 3 साल से लगातार है और हम पिछले 3 साल से CBSE टॉपर रहे हैं, जिसमें के बच्चों के 500 में से 500 नंबर आए हैं। और मेरे यहाँ जो आसपास जो बच्चियाँ खड़ी हैं, इनके 499 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। तो मेरे लिए ये सभी बच्चे 500 में से 500 हैं और सबका परफेक्ट स्कोर है, और मुझे बड़ी खुशी है और प्रसन्नता है। सर तानिया के विषय में अगर मैं आपसे पूछूं कि तानिया के पास 6 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्टों में उसको 500/100 मिले हैं और 1 सब्जेक्ट में उसके 98%, तो आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये ही टॉपर है? मैं इसको, क्योंकि CBSE में पास होने के लिए और जो मिनिमम सब्जेक्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होता है, वो 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके 5 में 500 में से 500 नंबर हैं, इसीलिए मैं कहूँगा कि ये बच्चे के जो है इस इज़ द टॉपर और इसके 500 में से 500% मार्क्स हैं। एक इसने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, मान लीजिए उसमें अगर नंबर कम है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किस तरह का माहौल बच्चों को दिया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है? बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ हमारे यहाँ सभी टीचर्स खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है तथा बार बार टेस्टिंग और उनकी समस्याओं का समाधान, ये एक सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है कि जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एटलीस्ट एड्रेस किया जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है।